व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, हमारा आज का व्यंजन है बादाम कुकीज। घर में रखी सामग्री से बहुत ही आसानी से ये स्वादिष्ट कुकीज घर में तैयार हो सकती हैं और बेकरी वाले कुकीज से भी बढ़िया। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कटोरी घी लेंगे। ये घी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि न बहुत ज़्यादा जमा हुआ न बिल्कुल तेल की तरह पतला। और अगर आप कप से नापेंगे तो ये 3/4 कप घी है, और उसी कप से मैं शुगर मेज़र कर रही हूँ, तो शुगर भी मैंने 3/4 कप ली है, और ये पाउडर्ड शुगर है यानी कि पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, बिल्कुल क्रीमी कर लेना है। ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, हैंड विस्कर से, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे काम जल्दी हो जाता है। तो लो स्पीड पे शुरू किया है मैंने, जिससे कि चीनी उड़े ना, और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हम बीट करेंगे इसे। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है, और 4 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही क्रीमी बहुत ही फ्लफी हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर भी कितना चेंज हो चुका है अब इसका। अब एक चलनी को बाउल के ऊपर रखेंगे और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। उसी कप से मैं मेजर कर रही हूँ जिससे मैंने शुगर मेजर की थी, और 1/2 कप हम डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें। इसके बाद 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाला है सॉल्ट यानी कि नमक। नमक से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले चलने में ही, और इसे धीरे धीरे चाल लेंगे बाउल में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं चाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सभी सामग्री को एक साथ चाल लेने से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और बिस्किट्स बहुत ही फ्लफी बनते हैं। सब कुछ अच्छे से चाल दिया है मैंने, और अब बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घी और चीनी को फेंट के हमने इसके अंदर जो एयर पैदा की थी उसे हमें ख़त्म नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान दें। और आप चाहे तो स्टील की चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं। अब हमने बादाम काट के रखे क्योंकि हम बादाम कुकीज बना रहे हैं, बारीक बारीक काट लिया है मैंने। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो आधी क्वांटिटी मैं इसमें भी डाल रही हूँ। मैंने तो 6-7 बादाम ही काटे थे और आधी मैंने बचा के रख लिए, ऊपर से डालूंगी। और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि अब ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड हो गया है, तो स्टील की चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे प्रेशर अच्छा पड़ता है। अब हमें हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ये अभी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो इसमें 1 या 2 टेबल स्पून हम मिल्क डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वरना हमारे बिस्किट हार्ड हो जाएंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है। अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और एक बार फिर से हाथों की सहायता से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसे तैयार करेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से। सारे मटेरियल को मैंने एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि अब हमें इसे गूंदना है, और हल्के हल्के हाथों से ही गूंदना है। इस बात को मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हमें डालना है इस पर, और इसे कंबाइन करने की अब मैं कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसे जोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और हल्के हाथों से कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। तो ये तो हो चुका है, अब आगे की तैयारी करते हैं। अब एक वर्किंग सरफेस पे मैंने सेलोफेन शीट बिछाई है और इस डो को उसके ऊपर रख दिया है। शीट को मैंने ग्रीस करके रखा है। आपके पास सेलोफेन शीट नहीं है अगर तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने डो को अच्छे से प्रेस कर दिया है और शीट को उसके ऊपर इस तरह से रख के हल्का सा फिर से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, और अब इसे हमें बेलना है। इसे हम लगभग 1/2 इंच की मोटाई तक बेलेंगे और एक समान बेलने की कोशिश करेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो। शुरू शुरू में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर से ये क्रैक हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम सेलोफेन शीट को इस तरह से उठाएंगे और क्रैक्स को हाथों की सहायता से ठीक करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं इसे स्क्वायर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि हमारे बिस्किट जो स्क्वायर शेप में मैं काटूँगी वो एक समान कटे और कहीं से भी वेस्टेज ना हो। तो इस तरह से मैं शेप कर रही हूँ, क्रैक्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से एक बार शीट इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और फिर से एक बार बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे, और सभी तरफ से मैंने इसे एक समान बेल लिया है। आपको खोल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से बेल चुका है। उसकी मोटाई 1/2 इंच से थोड़ी सी कमी मैंने रखी, वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला। अब जो बचे हुए मेरे पास बादाम है उसे अच्छी तरह से इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर देती हूँ, जितने भी हैं सारे डाल दूंगी अब मैं इसके ऊपर। इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे, जब बेक होंगे तो ये बहुत ही सोंधे सोंधे लगते हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगती हैं कुकीज़। तो हाथों से अच्छे से फैला देंगे इसको इस तरह से,
और फिर से हम ये कवर ढकेंगे और बहुत ही हल्का बेलन चलाएंगे। अब हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ इतना चलाना है कि जो बादाम के टुकड़े हमने डाले हैं ये अंदर थोड़े से सेट हो जाए। तो बिल्कुल चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से इसे हम चलाएंगे घुमाते हुए बेलन को। इसे खोल कर भी हम इस पर बेलन घुमा सकते हैं, आराम से इसे बेल सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से। इस बात का ध्यान रखना, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बस बेलन मैंने पकड़ा हुआ है और इसके ऊपर रोल कर रही हूँ, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। अब बिस्किट्स यानी कुकीज़ को हम काटेंगे, क्योंकि मैंने स्क्वायर बेला है तो मैं सीधे सीधे ही काट रही हूँ। आप चाहे तो किसी कुकी कटर या किसी ढक्कन की सहायता से गोल या चाहे जिस आकार में इसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह की स्ट्रेट लाइन में इसे काट रही हूँ, इसके बाद दूसरी तरफ से आड़ी लाइन में इसे काटेंगे और हमारे स्क्वायर पीसेस तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चाकू इस पर चला रही हूँ। इसी तरह से काट के मैंने बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस करेंगे, बटर से कर सकते हैं चाहे घी से कर सकते हैं। और मैं डायरेक्टली बिस्किट इस पर इसी तरह से रख दूंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे अगर अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे तो। और आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बटर पेपर या कोई A4 पेपर भी रख सकते हैं अच्छी तरह से ऑयल से दोनों तरफ से ग्रीस करके, लेकिन मैं डायरेक्टली ही रख रही हूँ। एक एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर रखते चले जाएंगे और दो पीसेस के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, लगभग 3/4 इंच का, क्योंकि जब ये बिस्किट्स पकेंगे तो ये फूलेंगे भी और फैलेंगे भी। तो सारे पीसेस मैंने काट के इसी तरह से गैप रखते हुए बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिए हैं। तो अब चलिए चलते हैं इसको बेक करने। ओवन को 10 मिनट मैंने 170 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है और 170 डिग्री पर ही मैं इसे बेक करूंगी और बेक होने में लगभग 15-16 मिनट का टाइम लगेगा। वैसे हर ओवन की अपनी अपनी हीटिंग कैपेसिटी होती है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेक हो जाते हैं। और हमारी बादाम कुकीज़ यानी कि बिस्किट 17 मिनट में बहुत ही बढ़िया तरह से बेक हो चुके हैं, ठंडा हो चुके हैं। अब मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हुए हैं। कोई सा भी पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, सारे पीस बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए कितने खस्ता, कितने लाइट, कितने फ्लफी, कितने क्रंची बिस्किट बने और बहुत ही स्वादिष्ट है ये बिस्किट। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बादाम कुकीज। एक बार बनाने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और आपने देखा कि कितनी आसानी से इसे घर पे ही बनाया जा सकता है। तो आप भी इसे बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए और तारीफ पाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बगल में जो बेल आइकन यानी कि घंटी है उसे जरूर हिट करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। एक बार फिर मिलेंगे, नमस्कार।